हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल द वैल्यू नॉलेज जिसमें हम आपके लिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नॉलेज लेके आते हैं जो आपको आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर और वो है दोस्तों पुलिस आरोपी का चेहरा क्यों छुपाती है तो दोस्तों आपने ये देखा होगा ज़्यादातर केसेस में जब आरोपी को कोर्ट ले लिया लेके जाए जाते हैं तब दोस्तों बहुत सारे पुलिस जो है वो आरोपी का जो चेहरा है वो छुपा के रखते हैं तो इसके पीछे क्या रीज़न से दोस्तों और ये कब कब होता है ये सारी चीजें आज हम आपको बताने वाले हैं और अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों तो हो सकता है क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो ये जानकारी आप अच्छे से याद करके रखो तो दोस्तों अक्सर जब पुलिस कोई भी आरोपी को अगर कोर्ट लेके जाती है दोस्तों तो इंडियन लॉ के तहत यानी ऐसा ह्यूमन राइट्स और इंडियन लॉ के तहत ऐसा तय है दोस्तों कि आप किसी भी आदमी को क्रिम तब तक करार नहीं दे सकते जब तक कि वो कोर्ट में साबित नहीं हो जाता तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में अगर कोई जो सस्पेक्ट रहता है अगर उसे कोर्ट में लेते जाते वक्त अगर उसका चेहरा अगर किसी मीडिया पर्सन के सामने आता है और अगर उसकी फ़ोटो छप जाती है दोस्तों न्यूज़पेपर में या फिर आ, इंटरनेट पे तो दोस्तों आ, उसे लोग जो है वो ऑलरेडी क्रिमिनल समझना शुरू कर देते हैं और हो सकता है दोस्तों कोर्ट उसे इनोसेंट करार दे दे और लेकिन बाद में ऐसा हो जाता है दोस्तों क्योंकि उसकी फ़ोटो वगैरह जो छप गई थी एज अ क्रिमिनल तो उसका रिकॉर्ड जो है वो ख़राब हो जाता है दोस्तों तो ये बहुत गलत बात होती है तो दोस्तों आ, ऐसे केसेस में दोस्तों जब कोर्ट लेके ज़्यादा करता है कोई भी सस्पें को तो उसको तो उसका जो चेहरा है वो छुपाया जाता है दोस्तों और जब कोर्ट ये डिक्लेयर कर देती है कि ये पर्टिकुलर आदमी जो है वो क्रिमिनल है तो दोस्तों उसे मीडिया के सामने लाया जाता है और उसको चेहरा जो है वो दिखाया जाता है तो ये तो हो गया दोस्तों पहला सिनारियो दूसरा सिनारियो भी ऐसा होता है दोस्तों कुछ कुछ केसेस में जब पांच छह लोग जो जो है वो सस्पेक्ट रहते हैं दोस्तों और विटनेस को जो है इन पांच छह लोगों में से एक आदमी को आ, जो है वो आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इन पांच छह लोगों में से कौन क्रिमिनल है तो ऐसी सिचुएशन में भी दोस्तों उन पांच छह लोगों के चेहरे पे जो है वो नकाब डाला जाता है उनकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है और उनकी जब आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों उनको उनमें से जब आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्रिमिनल कौन है दोस्तों तभी वो आदमी का चेहरा जो है वो सामने लाते हैं क्योंकि दोस्तों अगर वो पाँच छः लोग जो सस्पेक्ट थे उनको अगर विटनेस ने पहचानने से पहले ही अगर उनको अगर सामने उनके चेहरे दिखा दिए तो वो भी उनकी पाँच छः लोगों की पूरी जो लोग है दोस्तों उनमें से जो भी इनोसेंट है उनकी उनको भी लोग क्रिमिनल समझना शुरू कर देते दोस्तों और उनके वो आगे जाके उनके फ्यूचर के लिए बहुत खराब रहता है इसके अलावा दोस्तों एक ये भी चीज़ है दोस्तों अगर क्रिमिनल का फेस दिखाते हैं दोस्तों जब भी कोर्ट वगैरह लेके जाते हैं तो दोस्तों बाकी जो भी पब्लिक वहाँ पर रहती है मीडिया वगैरह रहती है वो बहुत वायलेंट हो जाती है दोस्तों और जो भी पब्लिक रहती है या फिर कोई भी जो विक्टिम रहेगा उसके जो रिलेटिव्स वगैरह रहते दोस्त लोग वगैरह रहते वो जो है वो क्रिमिनल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं दोस्तों क्योंकि उनको पता रहता है कि ये पर्टिकुलर आदमी ने उनके जो भी रिश्तेदार है या फिर जो भी उनका जो विक्टिम है उसके साथ गलत किया है तो ऐसे ये जो वायलेंट का जो सिचुएशन है इससे भी अवॉइड करने के लिए दोस्तों जो क्रिमिनल है जो सस्पेक्ट है दोस्तों उसके चेहरे पर नकाब डाला जाता है तो ये तो हो गई दोस्तों कब डाला जाता है नकाब अब बात करते हैं दोस्तों ऐसे केसेस होते हैं जैसे कि अभी कभी पुलिस उसने रंगे हाथ पकड़ लिया कुछ लोगों को स्मगलिंग करते वक्त या फिर ड्रग सप्लाई करते वक्त या फिर कुछ भी आप पकड़ लो जो नोट नोट्स होती दोस्तों उनका डुप्लीकेशन करते वक्त या फिर शराब वगैरह का जो है स्मगलिंग करते वक्त ऐसी किस में जब पुलिस जो लोग होते दोस्तों जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उनको अगर रंगे हाथ पकड़ लेती है दोस्तों तो ऐसी सिचुएशन में आपने देखा होगा बहुत सारे जो पुलिस है उनके साथ फ़ोटो खिंचवाती है दोस्तों उनकी आइडेंटिटी रिवील करती है दोस्तों क्योंकि उनको रंगे हाथ पकड़ा जाता है और ये जो ये वही उसी जगह पर प्रूव हो जाता है कि इनको हमने रंगे हाथ पकड़ा है इस पर्टिकुलर चीज़ों के साथ उसमें कोई भी ले लो एमुनेशंस ले लो स्मगलिंग ले लो या फिर सोने की स्मगलिंग ले लो वो चीज़ वहाँ पर भी पूरा उन आपने देखा होगा दोस्तों टेबल पर वो सारी चीज़ें रखी जाती है और उनके पीछे पुलिस और उनके साथ में जो आरोपी है उनकी आइडेंटिटी वो रिवील करते हैं और वो फ़ोटो जानबूझ के खिंचवाते दोस्तों क्या ताकि ये प्रूव हो सके कि हम आ, हमने इनको रंगे हाथ है तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों जो भी क्रिमिनल्स रहते हैं उनके मुंह पे जो है वो नकाब नहीं डाला जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी रंगे हाथ पकड़े जाते हैं दोस्तों उन्हें कोर्ट वगैरह में तो लेके जाया जाता है दोस्तों लेकिन पुलिस जो होते हैं उनके पास सबूत रहता है दोस्तों कि हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा है तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन रहती है दोस्तों जब जो है एक्यूज़ यानी जो भी सस्पेक्ट है उसके मुंह पे जो है वो नकाब डाला जाता है उनकी जो आइडेंटिटी छुपाई जाती है तो दोस्तों अब ये आपको अच्छे से पता चल गई सारी जानकारी आप ये सारी नॉलेज अच्छे से याद करके रखो और इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर हमने आपके साथ बहुत सारा ऐसा वैल्यूबल नॉलेज शेयर किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो हमने टेक्नोलॉजी से लेके हेल्थ तक और जीके से लेकर करंट अफेयर्स तक बहुत सारा नॉलेज आपके साथ शेयर किया है तो दोस्तों हमारे वीडियोज रेगुलरली देखते रहो हमारे वीडियोज को लाइक करो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे आपको ऐसी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन घर बैठे मिलती रहेगी और आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो तो दोस्तों ये वीडियो में बस इतना ही था जल्दी मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग नॉलेज के साथ तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों थैंक यू वेरी मच